ये मसीह के प्रिय और मधुर नाम में फिर से आप सभी सभी विश्वासी मित्रों का और जुड़े हुए सभी लोगों का सभी श्रोताओं का दर्शकों का हम इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं हम पिछले समय में सीख पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़ी आज्ञा दी और वो थी उसको प्रेम करने की नहीं परमेश्वर को प्रेम करने की आज्ञा पर उस आज्ञा में क्या क्या बातें थी और उसमें उस आज्ञाओं का उस आज्ञा का एक हिस्सा जो था वो था बुद्धि से मन से सारे मन से सारी बुद्धि से उसको प्रेम करना तो so, वो बात को हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं आज इसका दूसरा सेशन है और इसमें आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड हालेलुया और आप सभी का हम स्वागत करते हैं आइए छोटी दुआ करते हैं और इस बाइबल स्टडी में हम आगे बढ़ते हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे सिरों को झुकाएंगे धन्यवाद परमेश्वर फिर से आपने यह एक अवसर दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपके वचनों का अध्ययन कर पाए आपने यह प्लेटफॉर्म दिया कि जिसमें हम अलग अलग जगहों से इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक आत्मिक संगति कर पाए प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु आभारी है परमेश्वर हर एक टेक्निकल फैसिलिटीज के लिए हर एक चीजों के लिए कि जिनके द्वार, जिनके द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा आज मिलकर कर सकते हैं परमेश्वर हम आभारी है परमेश्वर इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं जुड़ रहे हैं हम सभी पर प्रभु यीशु तेरे लहू को आप लीजिए परमेश्वर हमें शुद्ध कीजिए हमारे हर गुनाहों से पापों से अपराधों से हमें माफ कीजिए प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर यह समय हमारा व्यर्थ न जाए पर हम बहुत कुछ समझने पाए सीखने पाए प्रभु पवित्र आत्मा हर एक को आप समझाइए और आप सिखाइए और सरल भाषा में समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी की आप सहायता करें विशेषकर मेरी सहायता करें यह अनुग्रह हम मानते परमेश्वर शैतान की युक्तियों को हम यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से निष्फल जाहिर करते हैं आप ही की महिमा हो परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने मनों को समर्पित करने पाए इस अध्ययन के लिए परमेश्वर अपने बुद्धि को अपने माइंड को प्रभु वो समर्पित करे परमेश्वर ताकि इस पूरे अध्ययन में वो शामिल रह सके परमेश्वर और आप जो सिखाना चाहते हो वो हम सब मिलकर सीख सके प्रभु यीशु के लहू को हम सभी पर हमारे विचारों पर इस टेक्निकल पूरे सिस्टम पर हम यीशु के लहू का छिड़काव करते हैं और हर एक शैतान की युक्तियों को हम निष्फल जाहिर करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन जो बात हम सीख रहे हैं और वो तो है लविंग गॉड विथ अवर माइंड और वो भी कैसे विथ ऑल योर माइंड विथ ऑल अवर माइंड पूरे मन से सारे सारी बुद्धि से हम सीख चुके थे उस समय की क्या ऐसी बात थी कि जो हमें सॉरी कौन सी ऐसी बात थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला था हमने लास्ट टाइम सीखा था कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को जब पूछी गई तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली थी कि हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है उसने कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन मतलब हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि माइंड के साथ प्रेम रख बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और इसी प्रकार मरकुश बारह उनतीस में यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी कि अपने सारे मन या तो हृदय से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से नहीं पूरी ताकत के साथ प्रेम रखना किस पर प्रेम रखने की बात है परमेश्वर अपने परमेश्वर पर हमने सीखा था कि हमारा परमेश्वर कौन है जिसको हम हमारा समय और हमारा सब कुछ देते वो हमारा परमेश्वर है अः आगे भी हमने सीखा था कि परमेश्वर ने ये पुराने नियम से इसको कोट किया था और इसका जो मूल अर्थ जो था माइंड बुद्धि से प्रेम करना उसका मूल अर्थ हमने सीखा था कि वो है समझ सोच विचार और कल्पना नहीं ये बात हमने सीखी थी परमेश्वर यीशु मसीह ने इसको पुराने नियम से इस आज्ञा को कोट करके बताया था यहाँ पर क्या बताया था कि हे इसराइल सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है हुआ एक ही है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखने प्रभु ने ये आज्ञा बात बोली पर उसमें एक आयाम को परमेश्वर ने ऐड कर दिया और वो था मन माइंड माइंड को परमेश्वर ने यहाँ पर रखा मसीह ने और इसलिए यहाँ पर लिखा है तेरे मन में माइंड में सा ये सब बातें बनी रहे तू इसे सिखाया कर ये सब बातें हम पिछले समय में सीख चुके थे मतलब परमेश्वर ने इस बात को जब बोला कि सारे मन से सारी बुद्धि से नहीं तो परमेश्वर यहाँ पर इस बात को इंगित करता है कि मसीही मन नहीं इसका इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में कुछ ना कुछ है जो महत्व रखता है प्रभु ने जब ये बात बोली यीशु मसीह ने तो वो एक पर्सनल बात थी हमने सीखा था कि व्यक्तिगत बात थी सामूहिक तौर पे प्रभु ने नहीं बोला पर व्यक्तिगत रूप से ये हर एक विश्वासी के साथ जुड़ी हुई आज्ञा है कि उसको हर एक विश्वासी को सारी बुद्धि से परमेश्वर पर प्रेम रखना है परमेश्वर ने जब ये बात बोली ये आज्ञा बड़ी आज्ञा जब नए नियम में उस समय दोहराई वहां पर नहीं उसमें ये बात ऐड की कि सारी बुद्धि से तब वो बताना चाहता था, है कि विश्वासी का सारा माइंड सारे विचार जो कुछ भी वो मानसिक शक्ति रखता है नहीं वो सब कुछ पर मेरा दावा है यीशु ये इस प्रकार बोलते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी सोचे और जो कुछ भी हमारे मन से माइंड से करे वो सब कुछ उसके लिए करे सिर्फ रविवार के लिए नहीं कि भाई चलो गए दो घंटा बैठे सोच लिया यीशु की बातें सुन ली और फिर बाद में हमारे माइंड को हमारे ब्रेन को हमारे विचारों को कहीं और ठिकाने पर लगा दिए और हमने सिखा था कि सारी बुद्धि से प्रेम करने का मतलब है कि हमारे पूरी समझ के साथ हमारी सोच को हमारे विचारों को और हमारी हर एक इमेजिनेशन को कल्पना को यीशु मसीह को परमेश्वर को प्रेम करने के लिए लगा देना प्रेम पर कैसे किस प्रकार ये बात भी हमने पिछले समय में सीखी थी कि इंसान को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया कैसे कि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब रचा तो वहां पर क्या बोला तो हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में सारे प्राणियों से विभिन्न प्रकार का प्राणी हम परमेश्वर ने अगर बनाया तो वो था इंसान जिसको परमेश्वर ने एक भेंट और एक काबिलियत एक क्षमता दी और वो थी सोचने की क्षमता कि जिसके द्वारा वो सारे प्राणियों से एक अलग प्राणी ठहरता है और यही बात यही अलगाव हमें परमेश्वर की समानता में जोड़ देता है क्योंकि परमेश्वर भी सोचने वाला परमेश्वर है आ, हमने उस बारे में देखा था कि बाइबल इस प्रकार कहती है कि जैसा कोई व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो बन जाता है रिसर्च कहती है कि व्यक्ति हर एक दिन में दस हजार से भी ज्यादा विचार कर लेता है दस हजार से भी ज्यादा विचार कर लेता आप सोच सकते हो दस हजार से भी ज्यादा विचार वो कर लेता है इस मतलब ये सारे विचार जो सुबह से शाम तक एक व्यक्ति करता है वो उसकी आइडेंटिटी को उसकी पहचान का एक अलग निर्माण कर देता है और ये हमें हमारे मसीही मन को एक, ए, एक के आकार के में तब्दील करता जाता है और यह क्या बताता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी हमारे चुनाव हमारी जीवन शैली हम कहां पर चलेंगे अंधकार में रहेंगे उजाले में चलेंगे सही क्या है और गलत क्या है उसको लेकर हमारे विचारों में बदलाव आना ये सब कुछ नहीं हमारे व्यवहार लोगों के साथ सब कुछ ये कौन तय करता है तो हमारे विचार क्योंकि इंसान जिस प्रकार से सोचता है वैसा वो बन जाता है और ये आज आप और मैं जो भी है ये हमारी सोच का हमारे विचारों का नतीजा है आप और मैं जिस स्थान पर है जिस अवस्था में है ये हमारी सोच का नतीजा है सो तो हमारा प्रहार कहाँ है प्रभु यीशु मसीह का प्रहार कहाँ है जब उन्होंने बड़ी आज्ञा बोली कि पूरी बुद्धि से नहीं ये बात वहां पर परमेश्वर ने ऐड की क्यों इसको हम आज सीखेंगे ये क्योंकि ये बात हमारे पूरे चरित्र को आकार देती है आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे मरकुस बारह उन्तीस में ये बात परमेश्वर ने बोली थी कि नहीं? कि सारे मन से मतलब यहाँ जो मन है वो हृदय की बात की गई है मन और हृदय को स... अलग अलग रूप से बाइबल में बताया गया है पर उनके लिए जो यूनानी शब्द है वो सेम शब्द है कार्डिया कार्डिया करके ये सेम शब्द है जो मन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और हृदय के लिए भी इस्तेमाल हुआ है पर माइंड के लिए डायनोइया जिसका मतलब होता है बुद्धि नहीं सोच विचार अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन कल्पना ये तो परमेश्वर ने जब ये बड़ी आज्ञा बोली नहीं बड़ी आज्ञा बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है तो परमेश्वर पर सारे हृदय से सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना हमारा फोकस क्या है इस बाइबल अध्ययन में हमारा फोकस यह है कि अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना परमेश्वर को सारी बुद्धि से हमारा फोकस इस प्र इस बात पर है कि सारी बुद्धि से सारी शक्ति से सारे प्राण से और सारे हृदय से इसको हम नहीं देख रहे क्यों क्यों क्योंकि क्यों हमारा फोकस क्योंकि जो कुछ भी करेंगे उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है कहीं ना कहीं नहीं मैं बोलूंगा पर वो माइंड से होती है बुद्धि से ही होती है कुछ भी करेंगे उसकी शुरुआत क्योंकि हमने अभी नीति वचन में पढ़ा है ना प्रभु का वचन हम सीख गए कि जैसा वह सोचता है जैसे वह विचार करता है वैसा वह हो जाता है जैसा वह सोचता है वैसा वह बन जाता है प्यारो बुद्धि से प्रेम करने की बात तो हम सीख रहे हैं पर प्यारो हमारे माइंड का समर्पण करना बहुत जरूरी है खाली हम आत्मिकता की बातें करते रहेंगे प्रेज द और हाल या परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की कृपा अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे शब्द हम हमको अच्छा बताने के लिए या तो हमको बताने, बताने के लिए हम बोल सकते हैं पर जब तक हमारे विचारों पर किसी का नियंत्रण ना हो और विशेष करके वचनों का नियंत्रण ना हो तो वो हमारी आत्मिकता झूठी कहलाएगी और इसीलिए ऐसा ना हो इसीलिए परमेश्वर ने इस आयाम को ऐड किया इस आयाम को उस बड़ी आज्ञा में शामिल कर दिया कि पूरी बुद्धि से प्रेम करना है मैं चाहता हूं हर विश्वासी से कि वह सारी बुद्धि मुझे प्रेम करने के लिए काम में लगाए अपने सारे विचारों को मुझे प्रेम करने के लिए काम में लगाए परमेश्वर यह चाहता है प्यारो क्योंकि उसकी शुरुआत जो भी करेंगे सब कुछ उसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है बुद्धि से से होती है इसके बगैर हम हृदय से, प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम करें यह बिल्कुल असंभव सी बात हो जाएगी हम शायद सारी शक्ति लगाकर कोई काम कर भी सकते हैं और हो सकता है हमारा माइंड कहीं और हो... हमारे विचार कहीं और हो ये कई बार होता है हम आराधना करते खोए हुए होते हैं और हमारा विचार कहीं और होता है हम वचन सुन रहे होते हैं कलिसिया में बैठे होते हैं बाइबल स्टडी में ऑनलाइन बाइबल स्टडी में बैठे होते हैं और हमारे विचार कहीं और होते हैं हमने हमारी सारी शक्ति लगा दी है इसके अभी जो हम ऑनलाइन बाइबल स्टडी कर रहे हमने चलो हमने सारी शक्ति लगा दी हमने डेटा खर्च कर बचा के रखा पूरा दिन हमने पैसे नया रिचार्ज करवा दिया चलो हमने पैसे भी डाले समय भी डाला सब कुछ हमने सब कुछ लगाया और हम बैठ गए पर हो सकता है हमारी बुद्धि हमारे विचार कहीं और भी हो सुन रहे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं इसके बगैर जो तीन आयाम की बात परमेश्वर कर रहा है हृदय से प्राण से और शक्ति से प्रेम रखना नहीं ये ये बिल्कुल अधूरा सा रह जाता है इसीलिए बुद्धि से सारी बुद्धि से प्रेम करना अनिवार्य है अब प्रेम हम करने की बात प्रभु यहां पर बता रहे हैं पर प्रेम जिसे जानते हैं उसे किया जाता है प्रेम किसी अनजाने को कोई नहीं कर सकता है कोई भी रास्ते पर मिल जाए हम उसको प्रेम नहीं कर सकते हैं हम जिसे जानते ही नहीं उसे प्रेम कैसे कर सकते हैं प्यारो इसका मतलब है जिसे जानते हैं उसी को हम प्रेम कर सकते हैं तो प्रभु क्या कहना चाहता है इसके पीछे सारी बुद्धि से इसका मतलब तुम मुझे जानने के लिए मेरी पहचान में आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों को केंद्रित करो फोकस योर माइंड अपॉन द थिंग्स विच आर स्पिरिचुअल जो आत्मिक बातें है उनको सोचने के लिए और विशेष करके जो परमेश्वर है उसके बारे में सोचने के लिए अपने विचारों को काम में लाओ और जब हम उसको समझने लगेंगे उसके बारे में जानने लगेंगे और पहचान में आगे बढ़ने लगेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम किसी को जानने लगते हैं उसकी पहचान में और आगे बढ़ते हैं और हम उसको हमारा उसको प्रेम करना आसान बन जाता है सो so, प्यारो परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़े बगैर बुद्धि से प्रेम करना भी एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए प्यारो ये एक चुनौती है हर एक विश्वासी के लिए कि वो अपनी बुद्धि को प्रभु मसीह को प्रेम करने के लिए काम में लगा दे सारी बुद्धि को काम में लगा दे और जब हम लगाएंगे हम परमेश्वर के बारे में सोचने लगेंगे कि वो ऐसा है बाइबल हमें बताएगा कि ये वो ऐसा है हम सुनेंगे वचनों को सुनेंगे आत्मिक बातों में शामिल होंगे आत्मिक चर्चाओं में हमारा हमारा फोकस वहां पर लगाएंगे और नहीं हमारी सोच कहीं और होगी पर हम ऐसी बातों में हमारी सोच को खींच कर लाएंगे कई बार देखा होगा प्यारो कि कोई दो व्यक्ति आत्मिक बातों की चर्चा कर रहे होंगे और आपके मन में कुछ और चल रहा होता है पर आपको वो बातें खींचती है या तो आकर्षित करती है अगर आपको आकर्षित करती है तो वो आपके लिए चुनौती थोड़ी आसान हो जाएगी पर वो आकर्षित नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि कहीं और कॉन्सेंट्रेट ऑलरेडी है आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि कहीं और जुड़ी हुई है एंगेज है हमारा एंगेजमेंट कहीं और हुआ है प्यारो परमेश्वर हमसे प्यार कर चुका है अपने प्यार को जाहिर कर चुका है प्रभु अब हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम पूरी बुद्धि लगाए और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं तब हम उसको जानने लगते हैं पर सही जानकारी भी होना बहुत क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं किसी को पूछ लेंगे परमेश्वर कौन है कैसा है कोई कुछ भी बता देगा प्यारों हमारी सोच हमारी आ, हमारे विचार नहीं किसी व्यक्ति के विचारों पर आधारित नहीं होने चाहिए हमारा नतीजा हमारा रिजल्ट उन किसी के विचारों पर नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के बारे में सही सोचे, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के बारे में सही सोचे और कैसे सोच सकते हैं हम परमेश्वर के बारे में सही सोच सही समझ कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम उसको ज्यादा प्रेम करें वास्तव में बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया है इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे इसमें से समझना है आज मुझे समझ पाना है कि मेरा परमेश्वर कैसा है वो कैसा सोचता है उसके ख्याल कैसा है उसकी योजनाएं कैसी है उसने ऐसा क्यों बोला नहीं जब हम इन बातों की और गौर करने लगते जब हम बाइबल पढ़ते वक्त उस पर मनन करते हैं तब तब हमें परमेश्वर के बारे में मालूम होने लगता है प्यारो पर इन दिनों में कुछ और ही हो रहा है कि परमेश्वर के बारे में बहुत से लोगों के विचार बाइबल से नहीं आ रहे उनके अनुभवों से वो कैसा फील करते हैं कैसी अनुभूति हो रही है उनको उनकी भावनाओं से और उनके दोस्तों से ऐसी बातों से आ रही है नहीं परमेश्वर के बारे में बहुत से लोगों के विचार ऐसे है आज कि वो दूसरों के अनुभवों से है किसी की भावना से भाई वो सेवक ने ऐसा बोला कि परमेश्वर ऐसे है वो व्यक्ति ने ऐसा बोला कि मेरे आ, अ, परमेश्वर ऐसे है वो मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भाई मेरे मामा मेरे दादा वो मेरे चाचा मेरे मामा वो तो ऐसा बोलते हैं परमेश्वर ऐसे है पर हमें अगर परमेश्वर को प्रेम करना है हमारी बुद्धि से तो किसी के विचार किसी के अनुभव किसी की भावना या किसी के स्टेटमेंट पर आधार नहीं रखना है हमें आधार रखना है परमेश्वर के वचनों पर वो ही हमें सत्य वास्तविकता और सही बात को बयान कर सकते हैं जिससे हम सही सोच में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को प्रेम कर सके प्यारो उन लोगों से है आज उन लोगों से भी है परमेश्वर के बारे में ख्याल आज उन लोगों के भी है कि जैसे कि जिनका बाइबल से कोई नाता ही नहीं है लेन देन ही नहीं है वचन से बाइबल क्या है उनको पता ही नहीं है और वो कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड माइंड एक्टिविटी नहीं इस प्रकार के आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ थिंकिंग ऐसी जो सेक्यूलर सोच जो बाहर फैली हुई है उस पर आधार रखे हुए है वहां से कुछ सीखा हुआ परमेश्वर के बारे में वो लेकर आ रहे हैं करप्टेड थॉट्स इसका प्रहार आजकल इसी पर हो रहा है आप पर और मुझ पर हो रहा है करो परमेश्वर अंदर ही है और परमेश्वर अहम अहम मैं ही ब्रह्मा। मतलब आप ही परमेश्वर हो रे प्यारो बहुत कुछ चल रहा है पर हमें सही वो ही बता सकता है जिसने बाइबल को लिखा है और वो है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें बताता है कि परमेश्वर कैसा है कौन है उसने क्या किया इज द प्राइमरी सोर्स जिसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसकी सच्चाई क्या है और हम कैसे उसको प्रसन्न कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड क्या है और हम कैसे उसकी सेवा करें और हम कैसे उसको प्रेम करें यह सब कुछ हमें बाइबल ही बयान कर सकती है सो so, इसीलिए प्यारो एक मूल बात है परमेश्वर को बुद्धि परमेश्वर को बुद्धि से प्रेम करने के लिए आपका आप बाइबल को प्रेम करें अगर आप परमेश्वर को अपनी बुद्धि से प्रेम करना चाहते हो पर आपको बाइबल प्रिय नहीं है बाइबल पढ़ना प्रिय नहीं लगता है बाइबल के बारे में सोचना बाइबल में से जो वचन है उसमें मनन करना अच्छा नहीं लग रहा है तो देर इज समथिंग डाउटफुल ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ऐसी विश्वासी व्यक्ति के ऊपर जो आत्मिक बातें कर रही है बहुत सारी बातें कर रही है दर्शनों की बातें कर रही है पर उसको बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है उसके पास ऐसे विश्वासी व्यक्तियों के लिए बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह में रखता हूं आज मुझे डाउट है कि क्या आपने अपने जीवन को मसीह को दिया है प्यारो अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है पवित्र आत्मा आपके भीतर है और वो आपकी अगुवाई करता है तो अगर प्यारो आप, आपके आपके दिल की इच्छा है कि आप परमेश्वर की बुद्धि से प्रेम करें तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा ही क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा गया है प्रभु ने यीशु मसीह ने इस प्रकार चेलों को बताया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा मैं जाऊंगा तब वो आएगा एक और वैसा ही संबोधित पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा रिवील करेगा प्रकट करेगा जब हम बाइबल पढ़ेंगे इसीलिए बाइबल स्क्रिप्चर हमारा प्राथमिक स्रोत होना चाहिए जब हम परमेश्वर को बुद्धि से प्रेम करने की बात कर रहे हैं जब हम परमेश्वर को जानने की बात कर रहे हैं परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तब बाइबल ही हमारा मुख्य स्रोत है प्यारो सो so प्यारो बाइबल आपका स्रोत नहीं है कोई और व्यक्ति अगर आपका स्रोत है तो प्लीज इसको बदल दीजिए व्यक्ति को आपका स्रोत नहीं बनने दीजिए बाइबल के वचनों को इसका स्रोत स्रोत बनने दीजिए ताकि आप सही सेवा कर सको आप सही रूप से बुद्धि से बुद्धिपूर्वक प्रभु यीशु को परमेश्वर को प्रेम कर सको परमेश्वर को प्रसन्न कर सको परमेश्वर की सच्चाई के बारे में और वास्तविकता के बारे में और परमेश्वर के स्टैंडर्ड के बारे में आप और मैं सही जानकारी हमारे पास रख पाए अगर सही जानकारी नहीं होगी तो हमारा आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल होगा प्यारों सो दिस इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू अगर आप यीशु को परमेश्वर को सारी बुद्धि से प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बाइबल को परमेश्वर के वचनों को प्रेम करना सीखना पड़ेगा मतलब परमेश्वर के वचनों में ज्यादा समय देना पड़ेगा ये बात आप सीख लो ये गणित है इसके बाहर अगर आप जाओगे तो दूसरों के अनुभव और दूसरों के ख्याल और दूसरों के सिद्धांतों पर आप खड़े नहीं रह सकते हो अगर प्रभु को आप प्रेम करना चाहते हो प्रभु यशु को पहचान में उसकी पहचान में आप आगे बढ़ना चाहते हो दूसरी मूल बात क्यों आप और मैं बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं क्यों आप और मैं इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए प्यारों क्यों क्यों हमने कमिटमेंट किया कि इस पूरी इस सीरीज में हम जुड़े रहेंगे हर एक बात को हम सीखेंगे क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बात है कि मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले मेरे जीवन से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़े परमेश्वर जैसे ही चाहता है वैसी महिमा में उसको दू हम गाते भी है मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे और गाने को तो बहुत अच्छा गा लेंगे अच्छे अच्छे गाने याद रख लेंगे बट हमारे विचार उस गाने तक ही वो पांच मिनट दस मिनट का गाना तक ही वो विचार सीमित रहते हैं उसके बाद में दुनिया में जो चल रहा है उसी में हमारे आसपास जो चल रहा है उसी में हम अपने आप को उंडेल देते हैं हम सच में हम उंडेल देते हैं अपने आप को हम अपने आप को उंडेल देते हैं मतलब हम सब कुछ जैसे वो ही हो वैसे हम चाहे नौकरी हो चाहे और कोई भी चीज हो हम उसमें इतने ओत प्रोत हो जाते हैं कि जैसे सब कुछ वही है उसके बगैर तो कोई जीवन ही नहीं है यारो अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो और अपने जीवन से महिमा देना चाहते हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात हम सीख रहे हैं बुद्धि से प्रेम करना पड़ेगा बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा देखो यहां पर आ, यीशु मसीह ने पत्रस को कुछ बातें बोली जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए थे और तीसरी बार मरे हुए में से जी जी उठने के बाद तीसरी बार चेलों को दर्शन दिया था और देखो यहाँ पर हम आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा कि सामने स्क्रीन पर है कि यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए योन्ना इक्कीस और चौदह अब पंद्रह भोजन करने के बाद यीशु ने शमोन पत्रस से कहा हे hey, शमोन योन्ना के पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है देखो प्रभु यीशु मसीह यहां पर पूछ रहे क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है प्यारो परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले फॉलोवर सिर्फ आंखें बंद करके पीछे चलते रहे वो नहीं उसको प्रेम करे उसका प्रेम पीछे चलने वालों को खींचे अगर आप प्रेम करोगे तो और कोई चीज आपको जबरदस्ती नहीं लगेगी प्यारो क्योंकि प्रेम कभी भी जबरदस्ती से नहीं होता है प्रेम जबरदस्ती से नहीं होता है प्यार प्रेम हृदय से पूरे दिल से होता है इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम करता है कोई व्यक्ति से तो उसके दिल और मन को वो पहले दे देता है हाँ प्यार अपने दिल और मन में वो उसको जगा दे चुका होता है अगर आप परमेश्वर यहां पर उसको प्रेम करने की बात कर रहे इसका मतलब है कि हमारे विचारों में उसको बुद्धि से प्रेम करने की बात अगर प्रभु कर रहा है तो हमारी बुद्धि में हमारे विचारों में परमेश्वर को स्थान मिले आज तो प्रभु को स्थान ढूंढना पड़ रहा है मुश्किल से परमेश्वर घुसने के प्रयास कर रहा है वैसे वो घुसने का प्रयास नहीं करता है वो वो तो वो तैयार है नहीं आना आने देंगे हम हमारे विचारों में उसको तो वो नहीं आएगा शमौन पत्रस को क्या बोला तू बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं पत्र सामने बोलता भी हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार बोला देखो प्रभु यीशु ने वहां पर बोला अः हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति है उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा देखिए 16 में उसने फिर दूसरी बार उससे कहा दूसरी बार सेकंड टाइम कि शमौन यन्ना के पुत्र क्या तू तो मुझसे प्रेम रखता है उसने उनसे कहा हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर दूसरी बार बोला तब तो, भेड़ों की रखवाली कुछ समझ में आ रहा है प्यारे तीसरी बार देखिए उसने तीसरी बार उससे कहा हे hey, शमोन योन्ना के पुत्र क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है पत्र हुआ अरे ये क्या लगा रखा है परमेश्वर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो हो नहीं उदास हो गया कि कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या मुझसे प्रीति रखता है उदास हो गया इस बात को लेकर और उससे कहा हे hey, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं क्यों प्रभु पूछ रहे थे क्या क्यों प्रभु पूछ रहे थे कहीं ना कहीं कुछ कमी थी येशु ने उससे कहा तीसरी बार मेरी भेड़ो को चरा इन तीन बातों में प्रभु यीशु मसीह उसको जो सेवकाई दे रहे वो उसका वर्णन है कि मेरी भेड़ो की भेड़ो को चरा मतलब उनका पोषण तुझे देना है उनकी रखवाली कर उनकी सुरक्षा कर और वापिस मेरी भेड़ो को चरा मतलब उनको सही पोषण दे सो प्यारो परमेश्वर ने एक सेवकाई पत्रस के लिए रखी थी और वो थी भेड़ों की रखवाली और भेड़ों के ऊपर चरवाहे के रूप में सेवकाई थी ये और ये सेवकाई पत्रस को परमेश्वर ने यहां पर जाहिर की है प्यारे प्यार इससे हम सोच सकते हैं पर प्रभु यहां टारगेट कर रहा है किसको भेड़ों को भेड़ों को आप उसकी भेड़ है आप उसकी भेड़ है प्रभु अगर आप उसकी भेड़े तो आप क्या उसकी सुनते हैं आपको उसकी आवाज के बारे में पता चल जाता है क्या यारो हम उसकी भेड़े तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि हमें वो कैसे आगे बढ़ाएगा यहाँ पर पत्रस को तीन बार बोलकर परमेश्वर ने ये बात बता दी है कि अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है या तो अपने जीवन से मुझे महिमा देना चाहता है तो मेरी सुनना बहुत जरूरी है तू क्या सेवा करेगा वो तो मैं ही तुझे बता सकता हूं वो मैं ही वो पर्पस क्या है तेरे जीवन का वो तो मैं ही तुझे बता सकता हूं प्यारो उसकी सुनना और उसको प्रेम करना ही पड़ेगा अगर सच में आप उसको बुद्धि से प्रेम करना चाहते हैं अगर आप आपका मकसद है कि उसकी सेवा करें या तो आपके जीवन से उसको महिमा मिले तो सबसे आवश्यक बात यह है कि उसकी सुनना ही पड़ेगा और उसको प्रेम करना ही पड़ेगा उसको प्रेम किए बगैर आप और मैं हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है प्यार करना ही पड़ेगा अगर हमें उससे प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कुछ और कर रहे हम किसकी सेवा कर रहे हैं हम किसकी महिमा कर रहे हैं अगर हमें उससे प्रेम ही नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं अगर आप आपको यीशु मसीह से प्यार नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेवा कर रहे हो अपने नाम को बड़ा करने का मकसद रख रहे हो अपने को ऊंचा करने की बात कर रहे हो अपना महिमा अपनी ग्लोरी ढूंढ रहे हो पर अगर आप यीशु को सच में प्रेम करते हो तो कभी भी हम अपनी महिमा नहीं ढूंढेंगे अपनी ग्लोरी नहीं ढूंढेंगे हम उसकी ग्लोरी को ढूंढेंगे हमारा मकसद उसकी ग्लोरी हो जाएगा हमारे बारे में कोई कैसे भी ख्यालात रख ले कैसे भी विचार रख ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हमारे कार्य सिर्फ उसको प्रसन्न करने के लिए हो जाएंगे प्यारो अगर हमें उससे प्रेम नहीं है तो मेरा प्रश्न है आप किसकी सेवा कर रहे हो आप किसकी महिमा कर रहे हो प्यारो ये बहुत बड़ा प्रश्न आज आपके सामने में रखना चाहता हूं अगर प्रेम नहीं है तो किसी और की सेवा कर रहे हैं और उसमें शायद उस स्थान पर आपने अपने आप को भी रखा हो सकता है या तो कुछ किसी और बात को भी रखा हो सकता है पर परमेश्वर किसी और कोई डिजर्व नहीं करता है आपके पूरे प्रेम को परमेश्वर ही है जो आपका पूरा समर्पण डिजर्व करता है आप पूरा समर्पण किसी को अगर करो ऐसा कोई योग्य है तो वो परमेश्वर ही है यीशु मसीह जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि इंसान एक दिन में दस हजार से भी ज्यादा ख्याल कर लेता है सोच लेता है और इसको लेकर एडब्ल्यू टोजर ने कुछ बातें बोली थी ये भी हम सीख चुके थे पर इसको मैं दोहरा रहा रिपीट कर रहा हूं उन्होंने कहा था कि वॉट कम्स इन टू आवर माइंड वेन वी थिंक अबाउट गॉड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अस जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है यह सबसे महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं हम अगर परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हैं हमारी सेवा से हमारे कार्यों से अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हैं या तो प्रेम करने के मकसद से हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्यारो बहुत भारी समस्या में हम पड़े हुए हैं क्योंकि ये इसके बगैर संभव ही नहीं है प्यारो मेक स्क्रिप्चर योर प्राइमरी सोर्स अगर हम परमेश्वर को प्रेम किए बगैर ही कुछ कर रहे हैं कोई सेवा कर रहे हैं जिसमें प्रभु को प्रेम नहीं कर रहे इसका मतलब है कि वो एक सिर्फ एक्टिविटी है वो एक प्रवृत्ति बनकर रह जाएगा प्यारो सामाजिक प्रवृत्तियां तो बहुत सारे लोग करते हैं वैसे ही हम भी करने लगेंगे समाज में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे भले काम करते हैं वैसे ही हम भी कुछ कर रहे हैं वैसा हो जाएगा प्यारो हमारा फोकस हर एक कार्य के पीछे हर एक विचारों के पीछे हर एक सेवकाई के पीछे परमेश्वर को महिमा देना यह होना बहुत जरूरी है और जब हम उसके बारे में सोचने की शुरुआत करते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है और वो वचन के आधारित होना बहुत जरूरी है क्यों क्यों परमेश्वर हम हमसे यह चाहता है कि हम पूरे मन से सॉरी पूरी बुद्धि से उसको प्रेम करें क्यों क्यों क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब हम बुद्धि से उसको प्रेम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस पर समझ प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिस पर जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उसमें एक ये आयत है हम पढ़ेंगे यर्मिया की किताब में सत्रवा अध्याय और नौवीं आयत क्या लिखा है मन कुछ ट्रांसलेशन में हृदय लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है इनर मैन की बात कर रही है मतलब जो हमारी सोच पर डिपेंड है हमारे विचारों पर डिपेंड है नहीं हमारा आंतरिक व्यक्तित्व किस पर डिपेंड है हमारी सोच पर हमारे विचारों पर इसीलिए यह बात यहां पर है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है उसमें असाध्य रोग लगा है कौन सा असाध्य रोग पाप करप्ट हुआ है नहीं माइंड हृदय मन करप्ट हुआ है उसका भेद कौन समझ सकता है मैं यह मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दू अब आपको समझ में आ रहा है चाल चलन और कामों चाल चलन और कामों किन बात का नतीजा है मन और हृदय में जो बात समाई हुई है उसका नतीजा है और इसीलिए परमेश्वर चाल चलन और कामों को जांच नहीं रहा है पर परमेश्वर किसको जांच रहे हमारे मन हमारे को हमारे हृदय को हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को जांच रहा है हम कैसे ख्याल कैसी कल्पनाओं को पाल रहे पाल पोस रहे उसको परमेश्वर चेक कर रहा है एग्जामिन कर रहा है आपको पता है वो वो जांचता है त्यारो एक और आयत पढ़ते मत्थी मारह चौतीस पैंतीस में, में क्या लिखा है हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है से जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है मतलब हमारे मुंह क्या बातें बोलेगी जो हमारे माइंड में हमारे आ, हमारे विचारों में भर के रखेंगे भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे एक और आयत मैं पढ़ता हूं सुसमाचार पंद्रवा अध्याय लिखा है अठारवी आयत पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है माइंड शब्द है यहां पर और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्या कर रहा है मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है प्रभु ने इसलिए फरिस को क्या बोला सांप के बच्चों तुम तो बुरे होकर अच्छी बात कैसे कह सकते हो मतलब आप दोगलापन जाहिर कर रहे हो कहीं ना कहीं ऐसा दोगलापन हमारा व्यक्तित्व तो नहीं बन गया है ना हमारे मन में कुछ हो हमारे मुंह में कुछ हो इसको बोलते हैं दोगला व्यक्ति क्यारो ऐसे दोगलेपन से बाहर आ जाइए अगर कहीं ना आप परमेश्वर को बुद्धि से प्रेम करना चाहते हो तो इस प्रकार के दो गलेपन से आप बाहर आ जाइए क्या लिखा है यहां पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है और बाइबल में लिखा है मन के शुद्ध है वे ही परमेश्वर को देखेंगे हाउ कैन इट पॉसिबल ये कैसे संभव है कि, कि किसी को देखो नहीं किसी को जानो नहीं किसी को समझो नहीं और आप प्रेम करो और जब तक हम अशुद्ध जीवन जिएंगे अशुद्ध ख्यालों को भरते रहेंगे हम उसको प्रेम कैसे कर सकते हैं प्यार कोई बोलेगा अरे पर क्या करे पास्टर हमारे मन में तो बुरे ख्याल आते ही है क्या करे इसका जवाब भी आपको इसी अध्ययन में मिलेगा आप जुड़े रहिएगा पर नहीं आगे और भी बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ते जाएंगे ये पूरी सीरीज चलेगी पर आप जुड़े रहना प्यारो इस सारी बातों का जवाब आपको जरूर मिलेगा लिखा है क्योंकि बुरे विचार हत्या पर स्त्री गमन व्यभिचार चोरी झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है परमेश्वर ने साफ बोल दिया कि यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है और जो कुछ भी निकलता है नहीं, मन में भरा वो ही मुंह पर आता है एक औरत लुका पांच और बाईस यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो कहीं और एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने उनके विचारों को जानकर उनसे कहा कि तुम आपस में क्या सोच रहे हो आपस में क्या विवाद कर रहे हो मतलब आपकी मेरी बातें भी रिकॉर्ड है और आपकी और मेरे ख्यालात भी रिकॉर्ड है सब कुछ वो जांचता है और खोजता है मतलब हमारा परमेश्वर कौन है मन को खोजने और जांचने वाला परमेश्वर है जबकि हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है कि मन को खोज ले और जांच ले लिखा है कि अभी तो सोचा ना उससे पहले भी वो जांच लेता है तो जब उसको बुद्धि से मतलब विचारों से प्रेम करने की बात आती है तो क्यों कर हम इस बात से अनजान रह सकते हैं प्यारो अगर आपको और मुझको उसको बुद्धि से प्रेम करना है प्रभु ये बोल रहा है प्रभु ये डिमांड कर रहा है क्यों क्योंकि वो हमारे मनों को देख रहा है हमारे मनों को जांच रहा है हमारे विचारों को जांच रहा है और प्रभु चाहता है कि हमारे विचार भी पवित्र ठहरे आप देखना प्यारो ये ये बहुत गजब परिणाम अगर आप उसको बुद्धि से प्रेम करने वाले बन गए एक बार कोई विश्वासी व्यक्ति बन गया उसको बुद्धि से प्रेम करने वाला ये ये एक प्रक्रिया ये जारी रहती है बन गया तो मतलब ये नहीं कि अचीव कर लेंगे कोई स्थान पर इसमें जारी रहना पड़ेगा जब हम ये सीख लेंगे मतलब मेरा कहने का जब हम ये सीख लेंगे ये प्रभावित करेगा आपकी आत्मिक जीवन को आपके आत्मिक जीवन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपकी मिनिस्ट्री आपकी सेवकाई पर एक बहुत गजब के रिजल्ट में यह तब्दील करेगा प्यारो आत्मिक युद्ध जो है उसमें भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा परमेश्वर को आप परमेश्वर के आप आराधक हो वर्शिपर हो तो आपकी वर्शिपिंग लाइफ में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा अगर आप अपने बाल बच्चों को बड़ा कर रहे हो तो आपकी पेरेंटिंग लाइफ में भी यह बहुत बड़ा असर पैदा करेगा अगर आपके बच्चे नहीं है पर आप मैरिड लाइफ जी रहे हो आपकी मैरिज लाइफ पर भी यह बहुत भारी प्रभाव डालेगा और रही बात सोशल लाइफ की जिन जिन से आप कनेक्टेड हो उनके साथ की सोशल लाइफ में भी उनके साथ के व्यवहार में भी यह बात जब आप सीख लोगे हम सीख लेंगे कि बुद्धि से कैसे प्रभु को प्रेम करें बहुत भारी प्रभाव उत्पन्न करेगा प्यारो और इसीलिए प्यारो आज तय करे कि मैं अपने माइंड को पूरा अवेलेबल करता हूं प्रभु तुझे प्रेम करने के लिए जब इन बातों को हम सीख रहे हैं हम पूरे मन का समर्पण करते हमारे विचारों का हमारी बुद्धि का बुद्धि को हम तुझे देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को जांचने खोजने वाला परमेश्वर है वो नहीं चाहता है कि हम अशुद्ध मन से उसकी सेवा करें वो नहीं चाहता है कि हम दोगले मन से उसको महिमा दे वो नहीं चाहता है प्यारो हमारे हमारे कार्य पवित्र हो जाएंगे जब हमारी सोच पवित्र हो जाएगी एक और जगह ऐसा लिखा है पहला क्रोन थे और चार में क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में पॉलुस के इस प्रकार बोलता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता देखिए वो किस प्रकार से प्रभु को बुद्धि से प्रेम कर रहा है कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट बोल रहा है और पवित्र आत्मा इस स्टेटमेंट को अलाउ कर रहे बाइबल में लिखने के लिए सी ऐसे ही ये बाइबल में नहीं आ गया है ये बात पॉलुस ने ये बात बोली और वो सच में वो सत्य है इसीलिए इस बात को बाइबल में भी पवित्र आत्मा ने शामिल किया है क्योंकि मेरा मन पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता ओह माय गॉड कितने गजब बात है ये मैं हम लोगों कहते अरे मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूं अरे छोड़िए आपके निर्दोष कहने से या तो किसी की गवाही से आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे आपको और मुझको परखने वाला तो परमेश्वर है वो हमारे विचारों को जांचता है वो हमारे मन को खोजता है हमारे हृदयों को जांच लेता है कि क्या छिपा हुआ है पांचवी आदमी वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों मनों के अभिप्रायों मतलब मोटिव्स पर्पस किस हमारे संकल्प को किस आधार पर हम क्या काम कर रहे प्रभु के लिए वो सब कुछ वो प्रकट करेगा तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी हमारे अभिप्रायों को भी हमारे मोटिव्स को किस हेतु से हम कुछ अच्छा कर रहे हर एक काम के पीछे कोई मकसद तो होता ही है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इसको हम नकार नहीं सकते हर एक काम के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है अगर आप आराधना कर रहे हो तो उसके पीछे मोटिव है कि मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा ये एक मोटिव है ये एक पर्पज है अगर आप चर्च जा रहे हो कलिसिया जा रहे हो तो इसका मोटिव इसके पीछे एक मकसद है कि भाई मुझे परमेश्वर की बातों को सीखना है नहीं? कोई ना कोई मोटिव है आपका आप घर से बाहर निकलते हैं तो यूं ही नहीं निकलते हैं। कुछ मकसद कुछ पर्पज होता है कुछ पर्पज को लेकर आप अपने सफर में निकलते हो ऐसे ही घूमने नहीं चले जाते हम इसी प्रकार से हमारे मनों के अभिप्रायों को वो प्रकट करेगा और वो, वो हम किसी को बता तो नहीं सकते हैं कि भाई मैं क्यों आपकी मुलाकात लेने आया हूं मैं क्यों आपके आपकी तारीफ कर रहा हूं ये तो ये तो हम बताएंगे नहीं भाई पर परमेश्वर इसको जांच लेता है और समझ लेता है प्रभु को पता है कि हम सच में बोल रहे हैं कि हम चापलूसी कर रहे हैं चापलूसी करने वाले दो गले में है प्यारो और ऐसे लोग कभी भी बाइबल में लिखा है कि अस्थिर है और परमेश्वर की ओर से कुछ भी मिलेगा ऐसे मत सोचे बाइबल याको की पत्नी साफ कहता है इसीलिए बहुत सारे मसीही आज कंगाल जीवन जी रहे आत्मिक कंगाल और भौतिक रूप से भी कंगाल जीवन जी रहे हैं एक और बात हम आज आखिरी पढ़कर समझकर आज के इस स्टडी को पूरा करेंगे क्यों हम परमेश्वर बुद्धि से प्रेम करने का सुझाव दे रहा है या तो हमें हमसे क्यों अपेक्षा कर रहा है क्यों क्योंकि इंसान का एटीट्यूड उन उसकी सोच उसके विचार किस प्रकार के है उसकी अवस्था कैसी है जब वो विश्वास नहीं करता होता है तब भी उसकी अवस्था जैसी होती वैसी कई बार मसीही बनने के बाद भी रहती है इसीलिए पॉलुस को यहाँ पर इफिसियो के विश्वासियों को यह बात लिखनी पड़ी देखिए इफिसी चार और सत्रह से बाईस यहां पर आपके सामने आप पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे ना चलो क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई देखिए यहां पर स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड हमारे मा, मानसिक हमारे मानस ने जो व्यक्तित्व आ, हमें प्रदान किया है यहाँ पर के विश्वासियों के मानस ने उनको जो व्यक्तित्व दिया था उसके बारे में लिखा है पूरा लिस्ट है यहाँ पर लिखा है बोलता है जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे न चलो क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं पॉइंट मैं रिपीट हूं परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं सब की सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो अब देखो यहाँ कौन सा लिस्ट है मन की अनर्थ रीति वेनिटी ऑफ द माइंड ये ये सब कुछ उनकी सोच विचारों से उत्पन्न हुआ नतीजा है ये मतलब उसका नतीजा है उनकी बुद्धि अंधेरी है मतलब उनकी समझ अंधेरी हो गई है देर अंडरस्टैंडिंग अज्ञान वे अज्ञान है अज्ञानता में चल रहे हैं और इसकी वजह से क्या हुआ है उनके मन की कठोरता में ये सब कुछ मन की कठोरता में तब्दील हो गया है मतलब स्पिरिचुअली ब्लाइंड लाइफ इनकी हो गई है और इसकी वजह से वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं और दूसरा बहुत गंभीर दे आर इनसेंसिबल एंड सेंसलेस मतलब वो सुन्न हो गए मतलब सुन्न होना मतलब पता चलता है आपको कोई चमड़ी पर आपको कुछ चुभता है तो आप सेंस करते हो उसको महसूस करते हो इनको कुछ महसूस नहीं हो रहा है पाप के बारे में वो किसी के बारे में गलत ख्याल करते हैं तो उनको लगता नहीं है कि मैंने गलत सोचा है वो किसी के बारे में गलत बात बोलते तो उनको लगता नहीं है कि मैंने गलत काम किया है मैंने पाप किया है वो कुछ गलत चलचित्र या तो कुछ गलत पिक्चर देख लेते हैं तो उनको लगता नहीं कि मैंने गलत किया है मतलब वो अपनी आत्मिक सेंस गंवा चुके हैं ऐसे लोग वो घर में झगड़े करते हैं करते ही रहते हैं उनको पता नहीं है कि वो सेंसलेस हो गए हैं आत्मिक रूप से उन्होंने सारी संवेदनशीलता गवा दी है यारो कहीं आप ऐसे तो नहीं हो कुछ पाप ऐसे रिपीट हो रहे हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन भी कहता है पर आपको और मुझको कोई असर ही नहीं पहुंच रहा है हम तो बस वो कर रहे ही जा रहे हैं हमारी पत्नी को हमारे पति का अपमान कर रहे ही जा रहे हैं हमें कोई पड़ी नहीं है ये सब कुछ क्यों होता है क्योंकि हमें यह आदत नहीं है कि हम परमेश्वर के बुद्धि से प्रेम करें हमारे विचार परमेश्वर से बहुत दूर होते लेकिन परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं सब प्रकार के गंदे काम लस्टफुल मतलब लालसा से पुराने मनुष्य ओल्ड मैनर जो जो पापी स्वभाव में होता रहा है वही रिपीट हो रहा है हमारे इस जीवन में भी प्रभु बोझ भी ले रहे हैं ये भी कर रहे वो भी कर रहे हैं और दुनिया में जो चल रहा है वो भी कर रहे हैं दुनिया में जो सांसारिक रीति रिवाज से लोग चलते अपने परिवार को चलाते हम हम वो नमूना वापिस लेते हैं हाँ मैरिज लाइफ ऐसे करनी चाहिए ठिकाने लगा देना चाहिए उसको तो ताकि सोच समझ में ठिकाने पर आ जाए उसकी तब जाके कुछ करते हैं अरे प्यारो वचन वचन होता है वचन ही हमारी बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन के बाहर आप और मैं सोच नहीं सकते चाहे सेवक का ही हो या पारिवारिक जीवन हो या कुछ भी हो भरमाने वाली अभिलाषा ये सब भरमाने वाली अभिलाषा है जो तो आपको और मुझको कुछ गलत बातों की और अगुवाई कर रही है चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो आप कैसे आपके मैरिज लाइफ को हैंडल कर रहे हो मुझे नहीं पता है आप कैसे आपके पेरेंटिंग लाइफ को हैंडल कर रहे हो मुझे नहीं पता है आप कैसे आपकी सोशल लाइफ को हैंडल कर रहे हो मुझे नहीं पता है पर अगर वे पुराने मनुष्यत्व के अनुसार है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है हम सेवा करने के बावजूद भी बहुत दूर है परमेश्वर से क्योंकि प्रभु साफ यहां फिसियों की कलिसिया के लिए एक परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं ऐसे लोग और ऐसी माइंड और ऐसे एटीट्यूड से इनका एक्शन और इनके बिहेवियर क्या बन गए देखिए वो भी बताया इनका माइंड जैसे हमने अभी पढ़ा नीति वचन में कि जैसा वो सोचता है वैसा वह बन जाता है वैसे यहाँ पर इन लोगों की बात यही थी कि उनकी सोच ने उनकी समझ ने एक नए बिहेवियर को जन्म दिया उनके बिहेवियर कैसे हो गए उनके अंदर कैसे काम होने लगे देखिए ये ये यहाँ पर बताए फी चार पच्चीस से बत्तीस हम पढ़ते हैं उससे पहले एक बात है बुरी कल्पना यह को घिनौनी लगती है नहीं? जब हम इस प्रकार चलने लगते हैं प्रभु को बहुत दिस इज अबोमिनेबल इंग्लिश में जो शब्द है टू गॉड, बुरी कल्पनाएं को घिनौनी लगती क्या नतीजा हो गया इसका नतीजा क्या आया इस कारण उनकी कलिसिया में यह नतीजा आने लगा वो एक दूसरे से झूठ बोलने लगे थे देखिए पढ़ते हैं चार पच्चीस से बत्तीस इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले क्रोध तो करो पर पाप मत करो सूर्यस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे मतलब निपटारा करो माफी मांग लो पर उसी अवस्था में ना रहो चाहे भाई बहन हो हस्बैंड वाइफ हो कोई भी हो माँ बाप हो बच्चे हो पर क्रोध में न क्रोध में आ, ना चलते रहे दिनों को ना गुजरने दे इसीलिए आज बहुत सारे मैरे लग टूटे हुए क्योंकि उन्होंने क्रोध को खींच लिया एक्सटेंड किया उनके क्रोध को एक्सटेंड करते रहे और एक दिन ऐसा है कि डिस्टेंस बढ़ गया और वो डिवोर्स हो गए ऐसे लोगों के लिखा है आ, और श, शैतान को अवसर दो और जब ये बात हम करते हैं, हम किसी को माफी नहीं देते हैं तो उसमें शैतान जगह पा लेता है और अब बाकी क्या बताए आपको बाकी क्या बोले शैतान तो जो करता है वो चोरी करता है नाश करता है और सब कुछ खत्म कर देता है प्यारों. मैरिज लाइफ हो स्पिरिचुअल लाइफ हो सोशियल लाइफ हो सब कुछ खत्म कर देगा उसको अवसर न दो लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे इसमें चोरी ही होने लगी थी देखिए विश्वासियों में चोरी चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ ना हो पिछले दिनों में परमेश्वर के दास मेरे से कुछ बात कर रहे थे पास्टर मेरे दोस्त कि यार हम वहां पर गए और एक तरफ सब कलिसिया वाले लोग और सब खड़े थे और वहां पर सब चल रहा था और कोई बाहर निकले तो मेरे जूते कोई चोरी करके चला गया अब अब हम क्या अपेक्षा करें कलिसिया से प्यारो कि क्या जूते चोरी हो जाएंगे सोचो प्यारो ये बात हो रही है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले गंदी बात मुंह से निकले लिखा है पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो किसी की उन्नति कर सके ऐसे ही शब्द बोले ये सिर्फ कलिसिया में ही नहीं सोशल लाइफ में नहीं दिस इज अबाउट पर्सनल लाइफ जब पर्सनल लाइफ में होगा तो कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बातें नहीं होगी जिससे एक दूसरे को नीचे गिराया जाए हमेशा उनके बीच वो बातें होगी जिससे वो एक दूसरे की उन्नति करेंगे ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो इन सब बातों से क्या होगा पता है पवित्र आत्मा को शोकित करते हम कई बार आत्मिक आशीषों में कमजोर इसीलिए रह गए हैं कलिसिया में बहुत सारे लोग क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी सोच के अनुसार है उनकी बुद्धि अभी भी अंधेरी है अभी भी वे भरमाने वाली अभिलाषाओं से चल रहे अभी भी वे ओल्ड मैनर से पुराने मनुष्यत्व से अपने जीवन को चला रहे हैं अपने से जीवन को जो करप्ट होता जाता है वो पवित्र होता नहीं जाता है वो करप्ट होता जाता है कंटिन्यूस है आपको करप्ट से और करप्ट बनाता जाएगा और वर्ष कंडीशन में लाकर रख देगा वो और ये सब बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए क्या लिखा है यहाँ पर कौन सा लिस्ट हुआ जब इन्होंने ऐसा सोचा इनकी समझ इनकी और उनके एटीट्यूड ने कुछ एक्शन में लाया इनके जीवनों में और वो एक्शन ये थे उनका बिहेवियर ये था उनके काम ऐसे थे जिसको प्रभु जांचता है लिखा है झूठ बोलने लगे थे ये लोग एक दूसरे से क्रोधित अंदर बदले की भावना वो रखते थे बैर भाव रखने लगे थे शैतान को इससे अवसर मिल गया था ऐसी जगहों में काम करने का ऐसे जीवनों में ऐसे परिवारों में और ऐसी कलिसियों में शैतान को काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है यूं ही परमेश्वर ने प्यारो ये बात नहीं ठहराई है प्रभु बोझ की हमें एक दूसरे को माफी देनी चाहिए चाहे हस्बैंड वाइफ का जीवन हो या दो भाइयों का या माँ बाप और बच्चों का जीवन हो लिखा है वे चोरी करने लगे थे गंदी बात मुंह से करप्ट स्पीच स्पीच करप्ट उनकी स्पीच करप्ट हो चुकी थी और पवित्र आत्मा को वो शोकित कर रहे थे कैसे चल रही है कड़वाहट कड़वाहट पवित्र आत्मा को खेदित करती है कलह झगड़ा पवित्र आत्मा को खेदित करता है निंदा पवित्र आत्मा को खेदित करता है बैर भाव ये सब कुछ मिलाकर क्या उत्पन्न करता है प्यारो परमेश्वर के से अलग जीवन इनका जीवन परमेश्वर से अलग हो चुका था प्यारो आज इन्हीं बातों तक हम सीमित रहते हैं प्यारो सच में आप बुद्धिपूर्वक परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो अगर आप वैसा प्रेम देना चाहते हो तो अपने आप को समर्पित करें प्यारो अपने विचारों को समर्पित करें परमेश्वर आपके और मेरे विचारों को जांचता है उसको हमारे बुरे विचार लगते हैं। उसको नहीं पसंद है हमारे बुरे विचार प्यार बुरे विचार का मतलब ये नहीं है कि हम व्य विचार के विचार करें वो ही बुरे होते हैं बुरे विचार का मतलब है किसी को नीचा देखना कि, किसी व्यक्ति के बारे में ओछ सोच रखना ओ, ये तो ऐसे लोग हैं इनको कुछ अच्छा नहीं आता है और इस प्रकार के ही है और ऐसे ही रहेंगे पर प्यारो हमारी सोच कभी भी ऐसी नहीं होती है कि यीशु मसीह ऐसे लोगों को ही बचाने आए अगर आप और मैं उसको प्रेम करना चाहते बुद्धिपूर्वक तो हमारे माइंड भी हमारी सोच भी उसके जैसी बननी बहुत जरूरी है हम आत्मिकता की बातें कर रहे हैं पर हमारे विचार तो उसके वचनों के नियंत्रण से बाहर है उसके वचन का कोई नियंत्रण हमारे विचारों पर नहीं है प्यार उसका वचनों का शासन हमारे विचारों पर कभी भी नहीं होने दिया है हमने हम काम काज तो कर लेते पूरी ताकत लड़ा देते सब कुछ करते हैं और शायद दिखा भी दे कि हमने बहुत मेहनत कर ली बहुत कुछ कर लिया प्रभु के लिए परिवार के लिए मैरिज लाइफ के लिए पड़ोसी के लिए पर हमारे विचार प्रभु जानता है उसी से पता चलता है कि हमने क्या किया है आइए प्यारो अपने आप को समर्पित करते हैं कि प्रभु हमें हमारे विचारों से नहीं जीना है क्योंकि हमारे विचार अगर बुरे हैं तो प्रभु तुझे घिनोने लग लगेंगे और हमारे विचार कोई भी अच्छी बात पैदा नहीं करेंगे अगर आपके वचनों से हमारे विचार घिरे हुए हैं आपके वचनों के समान अगर हमारे विचार चल रहे गवन हो रहे तो जरूर कुछ अच्छा निकलेगा जो आप चाहते हो इफिसियों की कलिसिया में जो हुआ कि उन्होंने अपनी सोच अपने विचार उनके एटीट्यूड पर कभी भी वचनों का परमेश्वर की बातों का कब्जा करने नहीं दिया था होने नहीं दिया था। और इस वजह से उस में ये बातें हो गई शैतान को मौका मिल गया था भाव आ गया था कड़वाहट आ गई थी झगड़े आ गए थे निंदाएं ने जन्म ले लिया था चोरी तक होने लगा था एक्शन में बिहेवियर में ये सब बातें व्यवहार में होने लगी थी क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी थी और इसीलिए पॉलिस को कहना पड़ा कि पुराना मनुष्यत्व उतार डालो और नया पहन लो पुराना मनुष्यत्व भ्रष्ट होता जाता है आपको कभी भी अच्छा नहीं पर वो खराब से खराब और बद से बदतर अत, बदतर जीवन की ओर ले जाएगा आइए प्रार्थना करते हैं जब हम परमेश्वर को बुद्धि से प्रेम करने की बात कर रहे हैं हमारे विचारों को जांचें आज और पिछले हफ्ते में हमने कैसे कैसे विचार पाले कैसे कैसे विचारों को हमारे मन में हमने प्रवेश करने दिया कैसे कैसे विचारों से हमने अपने मन को भरा आइए प्रभु से माफी मांगे हमारी सोच के लिए हमारी समझ के लिए माफी मांगे किसी और के बारे में अगर हमने गलत सोच पाल रखी है तो भी माफी मांगे प्यार भले ही वे गलत है और हमने सही सोचा और फिर भी माफी मांगे क्योंकि न्याय करने का जिम्मा हमारा नहीं है प्यारो हम परमेश्वर नहीं है जब हम न्याय करते तो हम परमेश्वर बन जाते हैं और बहुत गंभीर पाप कर बैठते हैं किसी के बारे में अगर ओछी सोच हमने रखी है कि वे ऐसे ही है और वो ऐसे ही रहेंगे तो प्यारो माफी मांगे परमेश्वर से कहे प्रभु मेरी सोच के लिए मुझे माफ कर अगर आप सेवा कर रहे हो और ऐसा ऐसे ख्यालों से कर रहे हो मुझे नहीं पता इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं अगर आप सेवक हो आप पास्टर हो आप अगवे हो अगर आप एक विश्वासी व्यक्ति हो अगर आप एक वर्शिप लीडर हो बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे मुझे नहीं पता पर अगर आप ऐसे लाइफ में से गुजर रहे हो प्रभु से माफी मांगे ऐसे दोगले व्यवहार से बाहर आए परमेश्वर को अपनी बुद्धि से अपने विचारों से प्रेम करना शुरू कर रहे परमेश्वर के बारे में सही सोच परमेश्वर के विचार ही ला सकते हैं अगर आपको परमेश्वर को बुद्धि से प्रेम करना है और हृदय से प्रेम करना है सारी शक्ति से प्रेम करना है पर आपको वचन से ही प्रेम नहीं है वचन सुनना या तो वचन पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है उसमें समय बिताना आपको बोरिंग लग रहा है तो माफी मांगे प्यार क्योंकि आप प्रेम नहीं कर रहे हो आप उसको प्रेम नहीं कर रहे हो आप अपने आप को प्रेम कर रहे हो, आपने एक ऐसा ऐसा वर्तुल बना लिया अपने आसपास, एक ऐसा सर्कल बना लिया जिसमें आप अपने आप को ही देख रहे हो जिस सर्कल में यीशु या तो यीशु की बातें या यीशु के वचनों का कोई स्थान नहीं है वो इस सर्कल से बाहर उस सर्कल में वो ही है जो आपको पसंद है वे ही लोग हैं जो आपको पसंद है ऐसी सोच और ऐसा व्यवहार और ऐसा एटीट्यूड आपको गलत बना रहा है आपकी आइडेंटिटी लोग नहीं, यीशु तय करता है और आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मार खा रही है प्यारों। पॉलिस के माफी क्या हम कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं मार कूट कर वो अपने आप को वश में लाता है ऐसा कहता है पॉलस। आइए प्यारो प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर ऐसी बातों को लेकर अगर मैंने गलत ख्याल पाल रखे हैं और मैं आपकी आराधना भी कर रहा हूं और आपकी सेवा भी कर रहा हूं मुझे क्षमा कर प्रभु मुझे माफ कर प्रभु गलत सोच को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और सब कुछ तेरे लिए तेरे नाम से कर भी रहा हूं मुझे माफ कर और शायद इसीलिए मेरी सेवकाई में मेरे कार्यों में मेरे पारिवारिक जीवनों में कोई उन्नति नहीं है हमें क्षमा कर प्रभु ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु उन्हें और हम सबको आप क्षमा करें आपके पवित्र लहू से हमें धो दे शुद्ध करें प्रभु पर हम आज मांगते प्रभु हमें सिखाइए प्रभु कि हम कैसे आपको बुद्धिपूर्वक प्रेम करें परमेश्वर हमें आगे बढ़ाइए कि हम बुद्धि से आपको संपूर्ण प्रेम कर सके हमारी सारी बुद्धि काम में लगा सके हमारी सारी सोच और हमारी समझ से आपको प्रेम करे परमेश्वर गलत समझ रखकर हम कभी आपको प्रेम नहीं कर पाएंगे अगर हम आपके बारे में जानते ही नहीं हम कैसे आपको प्रेम कर पाएंगे प्रभु हमें मदद कर कि वचन हमारा मुख्य स्रोत बने हमारा प्राइमरी सोर्स बने आपको प्रेम करने के लिए हमारी एक्टिविटीज आपको प्रेम करने के काबिल ना बनाए पर हमारी सोच सही एक्टिविटी को जन्म दे और हम सही रूप से आपको प्रेम करें परमेश्वर हम दूसरे कर रहे वैसे काम करके आपको प्रेम नहीं कर सकते प्रभु प्रभु हमें आपके वचन ही सिखा सकते हैं कि हम आपको बुद्धिपूर्वक कैसे प्रेम कर सकते हैं प्रभु हमारी मदद कीजिए प्रभु आगे के अध्ययन में और हमें आगे बढ़ाइए आज के इस अध्ययन में इस अभ्यास में आपने जुड़ने का अनुग्रह किया हम सभी को अवेलेबल किया सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सच में प्रेम करते हुए अपने आप को इस अध्ययन में जोड़ा है कीमत चुकाई है प्रभु हम मानते ही वे अपना बदला पाएंगे प्रभु हमें मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू जांचता परखता है और उनको बदला देता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है वे आशीषित है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे मैं हाला यीशु धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हम आभारी है इस, इस, सुंदर समय के लिए जब भी वापस हम मिले आपके अनुग्रह में तब तक हमें बनाए रखना और हमारी बुद्धि से हमारे सोच विचार से आपको प्रेम करने वाले हम बने रहे इस प्रक्रिया में हम लागू रहे आपको प्रेम करने में लागू रहे और लागू रखे अपने आपको ऐसा अनुग्रह और ऐसा सामर्थ्य हम मांगते हैं थैंक यू आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें इस अभ्यास में आपने जो भी प्रयास किए जुड़ने के प्रभु जरूर ये सब देखता है और आपको बहुत से आशीषित करेगा अगर ये बात आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल या तो सहाय रूप हो रही है तो जरूर हमें लिखिएगा या तो कमेंट से कहीं किसी भी रूप से मैसेज से हमें जरूर बताइएगा कोई कंफ्यूजन है तो भी हमें बताइएगा ताकि हम इसको आगे शामिल कर सके थैंक यू प्रभु आप सबको आशीषित करें और यीशु को बुद्धि से प्रेम करने के लिए आपको और भी मेच्योर बनाए परिपक्व बनाए और आपको आगे बढ़ाए गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू